बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज नरवाल की बड़ी जीत पर लाड़वा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर किया खुशी का इजहार। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता राकेश खुराना ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा भाजपा की जन विरोधी नीतियों का परिणाम। सर, अक्सर होता है कि उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ पार्टियों के पक्ष में होते हैं, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज नरवाल ने भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दस पर बड़ी जीत दर्ज किया है, इस पर क्या कहना आपका? मैं नरेश जी आपको बताना चाहूँगा, अक्सर इस तरह का एक रिवाज था कि उपचुनाव सरकार ही जीतती है, लेकिन इस उपचुनाव ने कई चीज़ें सिद्ध की कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। हरियाणा सरकार के गलत फैसले, केंद्र सरकार के गलत फैसले, और अभी सितंबर में लिया हुआ 3 अध्यादेश वाला फैसला तो बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। आज बीजेपी के गलत निर्णयों की वजह से आज किसान, व्यापारी, आड़ती, मजदूर, हर इंसान परेशान है। आप देख रहे होंगे लाडवा मंडी का सीजन खत्म हो गया है, टोटल पैडी उठ के राइस मिल्स में चली गई है और उसकी पेमेंट पूरी तरह से नहीं आई। जब भी आप किसी अधिकारी से बात करते हो, अधिकारी जवाब देता है जी हमें नहीं मालूम कि चंडीगढ़ पता होगा। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा बीजेपी सरकार की गिरती हुई लोकप्रियता, इनकी गिरती हुई साख और इनका अकुशल नेतृत्व को दर्शाता है।